तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे स्क्रीन वीडियो में। तो हमारे 32,000 सब्सक्राइबर्स का गोल है, तो सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मॉर्टल जब लाइव आए थे तो बात करें तो जो अनलिमिटेड टूर्नामेंट्स हो रहे थर्ड पार्टी उसके बारे में, एंड इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी टूर्नीज अगर नहीं होते तो पीपल आर लाइक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर एवरीवन। लाइक बर्न आउट ना फील होने के लिए तो देयर शुड बी ब्रेक्स, ऑब्वियसली ब्रेक्स होने चाहिए। काम सही चल रहा है, ब्रेक होना चाहिए। इवेंट तुम्हारे हाथ में है, तुम लिमिटेड इवेंट्स ही खेलो सबसे बेस्ट। हाँ, तुम्हारा अगर इफ यू फील कि थर्ड पार्टी टूर्नीज अनलिमिटेड हो रही है तो फिर भाई ब्रेक लो। एक अपना शेड्यूल बनाओ कि 5 टूर्नामेंट शेड्यूल बनाओ, 3 टूर्नामेंट खेलने के, 3 खेलने हैं बस। एंड अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मावी बात कर रहे थे फियर्स के बारे में, एंड इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फियर्स तेरी 1.5 लाख चल रही तो होगी, सुपर चैट कर जा। टूर्नामेंट में नहीं जीतते हो तुम लोग, तो शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? जा जल्दी कर, वेट कर रहा हूँ। अरे जबरदस्ती नहीं है, कर क्या एड्रॉन इसको बता दे, दिन बदलते टाइम लगता है, कल को क्या पता मेरी टीम में आना पड़ जाए, फिर मुश्किल हो जाएगी। हालात चल रहे हैं, अभी तो कोई भी प्लेयर नहीं आएगा ठीक में, मैं बोल रहा हूँ आगे फ्यूचर, फ्यूचर में अगर अच्छा करते हैं और एक दो बुरा करती है तो फिर देख ले। यस मैं किक हो जाऊंगा और टीएक्स आऊंगा और क्या। यस गाइस एंड अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के लिए बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि गॉर्डर की वैलोरेंट लाइनअप बहुत जल्दी आने वाली है, एंड हैवान जो गॉर्डर के लाइनअप के पहले प्लेयर थे वो इसी बारे में बात कर रहे थे, एंड इस चीज़ को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा। उन्होंने जो कुछ कहा वो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते। गॉर्डर कमिंग बैक काइंड ऑफ बट विद सम न्यू समथिंग, वेरी न्यू समथिंग which you guys wanted for so long. You'll not see some old players, but let's see. Roster announcement before VCT. Don't know. No idea, brother. Let's see. कब क्या होने वाला है? सब क्रॉन्टन के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है guys. मैं बस एक लकीर का फकीर हूँ. Okay. मेरे हाथ में कुछ नहीं है. क्रॉन्टन ने बोला होगा तो होगा, क्रॉन्टन ने बोला नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं कौन हूँ? मैं एक गरीब इंसान हूँ यार, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। किस्मत का खेल है सारा, फिर था मैं आवारा। गॉर्डन के ट्रायआउट्स होंगे? आई डोंट थिंक सो। चाल बास की नजर और हैवान की रेगुलरिटी पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। गॉर्डन लिखा होगा क्या? कुछ तो लीक्स दे दे प्लीज भाई। नहीं, गॉर्डन लिखा नहीं होगा, तू भी इग्नोर कर रहे। वरुण सीसी नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अपने नेक्स्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो मैं भी जब लाइव आते तो बात करते ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में, एंड इस पर रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते। हाँ, इसकी मैं बता सकता हूँ क्योंकि लगवाई अपन ने, इसकी सैलरी डिसेंट है। देखो 16 साल का वो है, और कुछ नहीं मैं बताना चाह रहा, मैं बच गया बोलने वाला था, बट उसकी फाइनेंशियल नीड्स सब पूरी हो जाती हैं, अच्छा खासा सेव भी कर लेता है और आगे के लिए सब कुछ पैक्ड है उसके लिए, तो उसकी सैलरी इतनी है कि काम चल जाता है सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती। और जितनी एक एवरेज T1 प्लेयर की सैलरी होती है उतनी ही उसकी भी है, उतनी इन सब की है 50-60K। ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई बट आजू बाजू ये एक डिसेंट सैलरी होती है एक नए कह लो या फिर एक थोड़े कम अचीवमेंट टाइप वाले प्लेयर के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एक नए नए एंट्री वाले प्लेयर के लिए डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी। एंड फिर नेक्स्ट चीज़ कह रहे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से राउंड 4 स्टार्ट होने वाला है, एंड 4 ग्रुप्स में 16 टीम्स होने वाली है, एंड अभी तक कोई ऑफिशियल पोस्ट तो आया नहीं कि कौन से ग्रुप में कौन सी टीम होने वाली है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस हमें पता चली गया है। एंड लेस ग्रो स्पोर्ट्स ने इसके रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज लगाई थी, उन्होंने बताया था कि जो ऑफिशियल पोस्ट है वो तो नहीं आएगा इसके रिलेटेड, एंड उन्होंने बताया था कौन से ग्रुप में कौन सी टीम होने वाली है, एंड सारे ग्रुप्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड आज पहले ग्रुप का मैच है, एंड आपको क्या लगता है टॉप 6 टीम कौन सी होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
एंड सेकेंड ग्रुप में हमें सोल, गॉडल, एक्सो बहुत अच्छी अच्छी टीम्स देखने को मिल रही है। तो अभी देखते हैं कि इसमें बहुत टफ फाइट होने वाली है एंड बहुत तगड़ा ग्रुप है ये तो, एंड देखते हैं कि इसमें टॉप सिक्स टीम कौन सी होती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। एंड बस आज की वीडियो को ये खत्म कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 32,000 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करवा देना।